नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑडियो इंस्टाग्राम में। मैं हूं आपका दोस्त अनंत साड़ा और लेके आया हूं आपके लिए गजब गजब की न्यूज। तो आशा करूंगा आज की ये डेली वीडियोस पसंद आएगी। अगर आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए पता लगाते हैं आज के डेली वीडियोस के बारे में। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज का डेली डोज। आशा करता हूँ आपको हमारा कल का डेली डोज और गेम प्ले पसंद आया होगा। अगर आप देखना भूल गए हैं तो नीचे आइए, हमने लिंक प्रोवाइड कर रखी, देखिए और बताइए कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ पे बात कर ले आज के सबसे पहले डेली डोज जो ये आ रही है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10। और यहाँ पे मालूम पड़ा है कि ये आपको दो वेरियंट में देखने मिलेगा, एक तो स्टैंडर्ड वेरियंट और दूसरा वेरियंट 5G वाला आएगा। और बोला जा रहा है कि जो फीचर है वो बहुत ही अच्छे होने वाले हैं और ओवरऑल एक्सपीरियंस भी अच्छा मिल सकता है। तो वेट करते देखते क्या होता है, किस प्रकार से नोट आता है, क्या होते हैं इसके ओवरऑल फ्यूचर और किस प्राइसिंग में सेल आउट होता है। बात करें अगली डेली डोज की तो ये आ रही है एक रिपोर्ट से और ये रिपोर्ट बताती है कि फेसबुक वापस से मैसेंजर को लेके आने वाला है इनके मेन ऐप पर ही। जी हाँ, आप जानते हैं ये स्टैंड अलोन ऐप देखने को मिल रहा था मैसेंजर का, तो वो हो सकता है कि बंद हो जाए और आपको ये फेसबुक में ही देखने मिले। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप चाहेंगे कि फेसबुक स्टैंड अलोन ऐप को रखे या फिर आप चाहते हैं कि मर्ज कर ले तो ज्यादा अच्छा है, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की तो ये आ रही है गूगल पे से और अगर आप भी यूज करते हैं इसे इंडिया में तो आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज आई है। यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दिया है एक नई चीज को जिसके तहत यहाँ पर आप गोल्ड को खरीद और सेल कर सकते हैं, वो भी गूगल पे से। जी हाँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऐप से ये सारी चीजें कर पाएंगे। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आपको ये नया एड ऑन पसंद आया कि नहीं आया। बात करें अगली डेली डोज की तो यह आ रही है व्हाट्सएप बीटा से और यहाँ पर मालूम पड़ा है कि आपको एक और नया फीचर मिलने वाला है और ये आपको देखने मिलेगा आर्चिव चैट के अंदर। जी हाँ, जैसा आप देख सकते हैं इग्नोर आर्चिव चैट का ये ऑप्शन मिल जाएगा और इसके भी आप जल्दी लाभ उठा सकेंगे। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आपको ये नया फीचर पसंद आया कि नहीं आया। बात करें अगली डेली डोज की तो ये आ रही है जियो यूजर्स के लिए और यहाँ पर अगर आप भी यूज करते हैं जियो की सिम तो यहाँ पर आ चुका है नया क्रिकेट पैक। जी हाँ, ये नया रिचार्ज देखने मिलेगा। आप देख सकते हैं 251 का है, वैलिडिटी है 51 डेज की और आपको मिल रहा है 102 GB डाटा। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप इस क्रिकेट वाले प्लान को लेना पसंद करेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की तो यह आ रही है सैमसंग गैलेक्सी A2 कोर से और इसकी हो चुकी है डिटेल लीक, साथ ही साथ प्राइसिंग भी मालूम पड़ चुकी है और मालूम पड़ा है कि इंडिया में ये जल्दी आने वाला है। बात कर लें यहाँ पे फीचर्स की तो यहाँ पे मालूम पड़ा है कि आपको 5 इंच की स्क्रीन मिलेगी LCD वाली, 960x540 पिक्सल रेजोल्यूशन मिल जाएगा, 1 GB रैम मिल जाएगी, यहाँ पर 16 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी। आप एक्सपांड भी कर सकते हैं, एंड्रॉइड 9 पे चलेगा। एक्सानस 7870 चिपसेट देखने मिलेगी, 9.1 mm की थिकनेस देखने मिलेगी, 142 ग्राम इसका वेट बताया जा रहा है। बात करें कैमरे की तो 5 MP का रेयर और 5 MP का फ्रंट कैमरा देखने मिलेगा, 2600 mAh बैटरी मिल जाएगी, ड्यूल सिम मिलेगा, 4G LTE, ब्लूटूथ और ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। बात कर लें यहाँ पे प्राइसिंग की तो प्राइसिंग में ये मालूम पड़ा है कि इसकी होने वाली है 5290 और बोला जा रहा है डार्क ग्रे, रेड और ब्लू कलर में मिलेगा। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप पसंद करेंगे A2 कोर को लेना, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की तो ये आ रही है स्काइप की तरफ से और अगर आप भी यूज करते हैं तो यहाँ पर आ चुका है एक नया ऑप्शन या बोल लीजिए एक नया एड ऑन हो चुका है, यह है स्क्रीन शेयरिंग, वो भी iOS और एंड्रॉइड के लिए देखने मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप जैसे स्क्रीन में देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगा। अब आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आपको ये नया एड ऑन पसंद आया कि नहीं आया। बात करें अगली डेली डोज की तो ये आ रही है एक रिपोर्ट से और ये रिपोर्ट कहती है कि क्वालकॉम लेके आने वाला है नया चिपसेट, ये है स्नैपड्रैगन 865 जो आएगा LPDDR5 रैम के साथ। जी हाँ, ये आपको रैम देखने मिलेगी, बोला जा रहा है कि परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा होने वाला है और रैम अच्छी मिल ही रही है तो ओवरऑल एक्सपीरियंस भी आपका अच्छा रहेगा। तो देखते हैं ओवरऑल किस प्रकार से नया प्रोसेसर आता है, क्या होते हैं इसके ओवरऑल फ्यूचर और कितना ताकतवर ये हमारे को देखने को मिलता है। बात करें अगली डेली डोज की तो ये आ रही है फिर से जियो की तरफ से और यहाँ पे इन्होंने रीलॉन्च कर दिया है इनके न्यूज ऐप को। जी हाँ, ये आपको वापस से देखने मिल जाएगा। बात करें यहाँ पे और चीजों की तो यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज मिल जाएगी, क्रिकेट की न्यूज मिल जाएगी, लाइव टीवी देखने मिल जाएगा और 12 इंडियन लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप जियो के न्यूज ऐप को यूज करना पसंद करेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए।
बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है डिज्नी प्लस से और ये फाइनली अनाउंस हो चुका है। यहाँ पे कंपनी ने बता दिया है कि नवंबर 12 से आपको देखने मिल जाएगा और यहाँ पे इसकी कॉस्ट रखी गई है $6.99 पर मंथ, जी हाँ, जो कि नेटफ्लिक्स से बहुत कम है। और ओवरऑल यहाँ पर आपको बहुत सारे डिज्नी के तो प्रोग्राम देखने को मिलेंगे, मूवीज देखने को मिलेगी और बहुत सारे ओरिजिनल शोज भी आने वाले टाइम में आपको मिलेंगे। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप चाहते हैं डिज्नी प्लस इंडिया में आए और उसका लाभ लें, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है सैमसंग गैलेक्सी टैब S4 10.5 से, और अगर आप भी यूज करते हैं तो अच्छी न्यूज है, यहाँ आ चुका है एंड्रॉइड 9 पर अपडेट, वो भी वन UI के साथ, जी हाँ, ये आपको देखने मिल जाएगा और बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स भी देखने मिलेंगे। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप भी वेट कर रहे थे इस अपडेट का, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है मारुति सुजुकी की तरफ से और यहाँ पे इन्होंने अनवील कर दी है नई अल्टो K10 को, जी हाँ, यहाँ पर आप जानते हैं हाल ही में कुछ रूल्स में चेंजेस आए हैं और उसी के तहत यहाँ पर अब आपको अल्टो K10 के अंदर देखने को मिलेंगे बहुत सारे सेफ्टी फीचर। यहाँ पर बात कर लें क्या क्या सेफ्टी फीचर है, तो यहाँ पर आपको ABS विथ EBD देखने को मिलेगा, सीट बेल्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको सीट बेल्ट का रिमाइंडर देखने को मिलेगा, स्पीड अलर्ट सिस्टम देखने को मिलेगा और यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसे और सिक्योरिटी फीचर आपको देखने को मिलेंगे। बात कर लें यहाँ पे प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग पहले से बढ़ चुकी है 3.66 लाख से लेकर अब 4.44 लाख आपको देखने मिलेगी एक शोरूम दिल्ली प्राइस। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप चाहेंगे K10 को लेना, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली और फाइनल डेली डोज की, तो ये आ रही है यूरो एंड कैप की तरफ से और यहाँ पर आप जानते हैं कि ये टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद स्कोर देते हैं कि भैया गाड़ी कैसी है सेफ्टी के मामले में। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं इन्होंने सिट्रियन की C5 एयरक्रॉस को किया है टेस्ट और देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसका स्कोर रहा है 4 रहा है, और वहीं इन्होंने रेंज रोवर इवोक्यू को भी यहाँ किया और उसका रहा है 5 out of 5। यहीं पे सिट्रियन C5 सेफ्टी पैक के साथ इन्होंने जब किया तो उसमें 5 का स्कोर रहा है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि ये गाड़ियां बहुत ही तगड़ी है और सेफ्टी के मामले में आपको अच्छी मिल रही है। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप आने वाले टाइम में सिट्रियन की गाड़ी को इंडिया में लेना पसंद करेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। साथ ही साथ बताइए कैसा लगा आज का डेली डोज, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही था, मैं तो आपका दोस्त अमन सारड़ा, भारत माता की जय।